और कितना ज्यादा हम लोगों ने बहाल शिक्षकों के लिए कितनी बहाली करवाया, लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए। स्थिति को याद करिए, और लोग तो पुरानी बातों को भुला जाते हैं, तो याद मत करिए, हम इसीलिए याद करा देते हैं आपको। जो काम हम पांच में आए, हम लोग और भाजपा के लोग एक साथ थे और उसी समय एक एक काम हम लोगों ने करवाया, और कितना ज्यादा हम लोगों ने बहाल शिक्षकों के लिए कितनी बहाली करवाया, लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए। और फिर कोई भी स्थिति थी, स्वास्थ्य की भी स्थिति खराब थी, तो हम लोगों ने तो एक एक काम करवा दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई, और क्या हालत था आप जरा याद करिए। पांच के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 39 लोग जाते थे, एक दिन में एक या दो। और उसको हमने देखा, हमने कहा इतना कम जाते हैं, उसके लिए हमने सब डॉक्टर का इंतजाम, इलाज करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है उस सबको हम लोगों ने मुफ्त में देने का काम किया। तब जो पांच में 29 मरीज आते थे एक महीना में, अब आप समझ लीजिए 11,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। तो सबका इलाज, आप पढ़ाई का कितना काम करा दिया, कितनी शिक्षकों की बहाली की, सब तरह का काम करवाया, अब कितनी बड़ी संख्या में सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि अब लड़कियां जो इंटर पास करती है उसको 25 रुपया हम देते हैं, और उसके आगे स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया देते हैं। हर तरह से हम लोग कह रहे हैं। अब उसके बाद कितना ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, और लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई उसी के चलते प्रजनन दर में कमी आई, बहुत ज्यादा था। बिहार में जितना प्रजनन दर था दूसरे राज्य में उतना नहीं था। यहाँ पर पांच में प्रजनन दर 4.3, लेकिन जब लड़कियां पढ़ने लगी तब जानते हैं ना प्रजनन दर घट के हो गया, पिछले साल 2.9, अब आगे फिर सर्वे हो रहा है तो और उसके नीचे। हमने तो कही दिया था कि प्रजनन दर और घटेगी, तो हमने उसका सर्वे कराया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें देखा गया कि देश के दूसरे हिस्सों में प्रजनन दर 2 था, और अगर इंटर पास है पत्नी तो प्रजनन दर 1.7।